Excuse me. Hi. Hello. ऐसा लग रहा है इसे कहीं तो देखा है. हाँ, इट्स ऑल डन. जरूरत पड़ी तो फोन करना. थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी. एक कसम सुनना, उस दिन बस स्टॉप पे जो एडवाइस दे रहा था ये वही है ना? हाँ शायद, मैंने ध्यान से देखा नहीं. एक्सक्यूज मी, जरा ठीक से सोचना, यही है ना वो? याद करके देख. मुझे याद नहीं आ रहा यार, सच कह रही हूँ. एक्सक्यूज मी, उस दिन बस स्टॉप पे एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था, तब उसे एडवाइस देने वाले आप ही थे ना बस स्टॉप पे? मैं? हाँ आप ही. सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं. मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने उस दिन ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी विद ब्लैक जीन्स. यही बैग था, उस दिन क्रॉस लटकाया हुआ था. एम आई राइट? क्या बात है, इसने तो काफी कुछ याद रखा है. वो शायद मैं भूल गया हूँ, अगर मुझे कोई गलत करता नजर आता है तो पहले मैं उसे समझाता हूँ, अगर नहीं समझा फिर बजाता हूँ. ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है, इसीलिए ये सब बातें मुझे याद नहीं रहती हैं. सॉरी. आहा, क्या परफॉर्मेंस है भाई साहब की. आपने बीए कंप्यूटर साइंस किया हुआ है ना? नहीं. एमएससी या आईटी? इतनी हायर एजुकेशन हमारे बस की बात नहीं है. आई एम जस्ट एचएससी पास. ओह, तो आपने कोई दूसरा स्पेशलाइज्ड कोर्स किया होगा. सिंसियरली काम करने वालों को एक्सपीरियंस के अलावा किसी और कोर्स की जरूरत नहीं. एनीवे, नाइस मीटिंग यू. थैंक यू. ओहो, ये तो पट भी गई. अब मैं सुवर्णा को इससे कैसे बचाऊं? हेलो, एनी डाउट्स? नो नो, नथिंग. पक्का ना? मिल गया, लीजिए, दिस इज माय कार, कॉल मी. ओके, दूसरी जगह मेरा अपॉइंटमेंट है, सो एक्सक्यूज मी. इसका काम तो बन गया, लेकिन अब इसका क्या होगा? मैं ही हूँ, आप इतना डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं. इतनी रात को आप अकेले चलकर जा रही हैं? घर कहीं आसपास ही है क्या? इसी स्ट्रीट पर है. ओह, तो बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज. इट्स ओके, मेरा घर पास में ही है. इतनी रात यहाँ कैसे? आप भी आसपास ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक सर्विस था इसीलिए इतना लेट हो गया. प्लीज आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, सीरियसली. नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी. यू श्योर? या, आप जाइए. ओके, बाय. बाय. थैंक यू. कोई खास बात? आप आई, यही खास बात है. हाँ, आप तो ऐसी बातें मत बनाइए. काम क्या है बोलिए. ओके, टेंशन मत लीजिए. आज मेरा बर्थडे है. ओह रियली? मेनी मेनी हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे. हाँ, थैंक यू. सुबह ही बताना चाहिए था तो मैं गिफ्ट लेकर आती ना. आप ऐसा फील करेंगी, मुझे पहले से पता था.
इसीलिए मेरा बर्थडे प्रेजेंट मैंने खुद तैयार करके आपके हाथों में दे दिया। So sweet. Happy birthday once again. Thank you. आपने तो इतना ही बताया था कि कुछ बात करनी है। हाँ, वही हाँ। बताइए, बर्थडे के दिन बर्थडे बॉय को कोई डांटता है क्या? दिमाग खराब हो गया है? जिसे थोड़ा भी सेंस होगा वो कभी नहीं डांटेगा। श्योर? ओह, आर यू श्योर? मतलब आपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, सुवर्णा, आई लव यू। आई लव यू। सुवर्णा, फर्स्ट बॉल पे सिक्स मारना चाहता था, इसने तो फर्स्ट बॉल पे बोल्ड कर दिया। बोलो ना। ए, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? अभी मैं बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती। क्या कहा? तुम मेरे घर पे आना चाहते हो? आहाहा, घर पे आना इतना आसान नहीं है। मेरे घर पर मेरे डैडी भी रहते हैं। तुम्हें पता है आज वेदर बहुत अच्छा है। इट्स सो रोमांटिक। होना तो तुम्हें यही चाहिए था। यहाँ तो कोई नहीं है। अब नहीं, तुम बोलो ना क्या बात है। अच्छा, तुम लोग साथ में थे? रवि ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा था क्या? हे, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। एक मिनट। हाँ, वहाँ से गिर गई। उसने बहुत बार कहा था उसे कोई फॉलो करता है, उसे डर लगता है। मुझसे बहुत बार कहा था उसने कि उसे भूत भी दिखाई दिया था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। देखिए, उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है। लड़की के माँ बाप आप ही हैं? जी सर, हम ही हैं। ये सब कैसे हुआ? कल रात हमारे साथ ही खाना खाया और फिर कहा सोने जा रही हूँ, सुबह देखा तो ये यहाँ पड़ी थी सर। हमारा सब कुछ लूट गया। ए, यहाँ से सबको हटाओ, क्लियर करो सब। जी, सबको भेजो, यहाँ से दूर भेजो। जी हाँ, चलिए चलिए। अरे सुषमा, हटो, रास्ता छोड़ो, हटिए हटिए। छोड़ कर क्यों चली गई? कांस्टेबल, यहाँ मार्क करो। जी सर। मैंने क्यों नहीं तुम्हारी बात मानी? सर, ये मर्डर है या सुसाइड? अभी कुछ नहीं बता सकता, पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। प्लीज सर, सर आपको क्या लगता है, ये खुदकुशी है या मर्डर? सर, ऊपर वाले बूढ़ा होने से पहले मेरी जोड़ी बना दे, बना दे, बना दे, बना दे। हे गौतम, हाय। हाय हाय। तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा ना? हाँ, नो प्रॉब्लम। कुमकुम लीजिए ना। चलिए वहाँ बैठते हैं। ओके। मेरे साथ क्या दुश्मनी है? मेरे दोस्त की भी जोड़ी बना दे भगवान। है ये कहाँ गया? है कहाँ गायब हो गया? हो, ये मामला तो पहले ही सेट हो गया, ऊपर वाला ने तुरंत सुन ली। अब मेरे दोस्त ने एक को सेट किया तो दूसरे को सेट करने का फर्ज मेरा बनता है ना। मुझे कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, लाइफ को सेट करना पड़ेगा, कलरफुल बनाना पड़ेगा।
कलश कलश हाय नमस्ते 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 हेलो चटोरा महेश कैसे कैसे पता चल गया यार hey, तू क्यों हंस रहा है महेश तो ठीक है पर चटोरा क्या है लगता है तुझे पूरी खिलानी पड़ेगी यू नो एक्चुअली कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ये अपना महेश जब छोटा बच्चा था ना तो वो पूरी होती है ना पूरी वो पूरी इसे बहुत पसंद थी मेरी इज्जत की भजिया तल रही है ये जब भी किसी बच्चे के हाथ में पूरी देखता था उसे छीन कर खा लेता था और ये इसकी आदत बन गई और इसी एक आदत की वजह से सभी बच्चों ने इसे चटोरा महेश नाम से बुलाना शुरू कर दिया अच्छा ये बताने में थोड़ा शर्माता है यही बात है ना क्या फ्लैशबैक स्टोरी इज्जत की बात बता दी इसने तो मेरी लाइफ का जो सुंदर इंट्रोडक्शन तूने यहाँ दिया है ना उसके बाद मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ चलता हूँ मैं सुन तो हेलो अब और क्या इज्जत उतारनी है मेरी उस दिन बस स्टॉप पर इसके हाथ से मार खा रहे थे वो तुम ही थे ना आपकी कसम वो मैं ही था इसके कहने पे किया था मैं चलता हूँ बेटा तेरी पूरी तली जाएगी तो मुझे पटाने के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया देखो सुवर्णा को पटाना तो इतनी बड़ी बात नहीं थी हाँ? लेकिन ये बात शादी तक पहुँचे उसके लिए इसके फादर को पटाना ज्यादा जरूरी है इसके बापू को भी पटाना पड़ेगा कितने पढ़े लिखे हो पढ़े लिखे हो भी कि नहीं HEC मेरी बेटी MSc कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है स्कूल ना जाने वाले भी जिंदगी में कई बार कुछ कर गुजरते हैं देखो अंगूठा छाप और पेन से सिग्नेचर करने वालों में बहुत फर्क होता है ये बताओ तनख्वाह कितनी मिलती है 15 से 20 लाख ना हजार मेरी बेटी की तनख्वाह कितनी है पता है तुम्हारी तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा सर मुझे लगता है कि इंसान की जितनी जरूरत हो उसे उतने ही पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपको लग्जूरियस लाइफ जीना है तो वो पैसों से ही संभव हो सकता है जिंदगी में खुशी ज्यादा जरूरी है सर जो पैसों से नहीं आती घर तो खुद का है ना खुद का दिमाग है उसका इस्तेमाल करके मेहनत से ऊपर आऊंगा मुझे भरोसा है कब तक आओगे इच्छा पूरी होने में उम्र गुजर जाएगी खुशी से जिंदगी जीने के लिए सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाना जरूरी है ऐसा मुझे नहीं लगता अगर प्यार की खुशी मेरी जिंदगी में रहेगी तो मैं बाकी सब यूं ही संभाल लूंगा देखो बेटा तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम जो बोल रहे हो वो ठीक हो सकता है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे अनुभव के आधार से बिल्कुल सही है मैं यहाँ एक पिता से बात करने आया था लेकिन आप तो गणित टीचर की तरह बात कर रहे हैं मेरी बेटी को कैसे जीना है किसके साथ जीना है कहाँ जीना है ये सब मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ तुम्हें कैसे जीना है ये तुम्हें डिसाइड करना है अब वो तुम ही सोचो गौतम क्या हुआ बैठो देखो बेटी हा? मुझे जो इससे कहना था वो सब मैंने कह दिया अब तुम आकर कार में बैठो बैठो तो चिंता मत कर यार उसका बाप कौन सा इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा कोई भाई भाई है क्या उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता है अगर हम अपनी पे आ गए ना तो हम कुछ भी कर जाएंगे ब्रदर तू चिंता मत कर तेरे जैसा दामाद पाने के लिए उसे बहुत पुण्य करने पड़ेंगे पहले भी तुझे उस लड़की से मैं नहीं मिलवाया आगे भी मैं ही मिलवाऊंगा क्या देख उसे कैसे तेरी बनाता हूँ मुंह बंद रख ये शरप गुरु उसका बाप क्या कहता है छोड़ आओ? वो लड़की क्या कहती है ये सुन समझा ना प्यार की शुरुआत में बात कर करके सिर खा जाती थी अब प्यार में थोड़ी प्रॉब्लम आई तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती इसका मतलब उस दिन जब मैंने बस स्टॉप पे तुझसे मार खाई थी उसका कोई असर नहीं हुआ ब्रदर तूने मुझे उस दिन इतना मारा था कि उस बात का दुख मुझे आज तक है बट आई स्टिल लव यू मुझे दुख हो रहा है मुझे बहुत दुख हो रहा है ब्रदर ए दुख को सेलिब्रेट करने के लिए एक और बना ए और चाहिए ना तो सीधा मांग इतनी सी बात के लिए और एक्टिंग क्यों कर रहा है तू उसको फोन लगा और उसका डिसीजन क्या है अभी पूछ ओ गौतम हेलो गौतम क्या हेलो ए मैंने तुमसे प्यार किया है सही बोला सिर्फ तुमसे एकदम तुम्हारी प्रॉपर्टी से नहीं और क्या तुम्हारे पापा अरे खड़ू से एक नंबर का उनको स्टैटिस्टिक्स के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है गौतम तुम बार में हो क्या
ए, मैं बार में रहूं या घर में रहूं वो अभी बात करना जरूरी नहीं है। हाँ, और क्या तुम्हारे पापा बहुत बड़ी तोप चीज है क्या? ये बोतल उनके सिर पे मारूंगा। क्या हुआ तुम्हें? पागला जैसी बात क्यों कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हो गया है, खराब हो गया है। हो गया हो पागल, क्या करोगी? कब हो गया पागल तू? ए, तू अपना मुंह बंद कर। ए, मुंह बंद करूंगा तो पीऊंगा कैसे? नाक से पी ले। ला, मैं तुझे पिलाता हूँ अभी। मुझे पिला। हेलो, सुनो, तुम इस वक्त मेरी बात समझने की हालत में नहीं हो, इसलिए सुबह बोलूंगी। हेलो हेलो ए हेलो, फोन कट कर दिया उसने ना? कट कर दिया ना गुरु? उसने फोन ही कट नहीं किया, उसने तेरे प्यार को भी कट कर दिया है, समझा? लगा उसे फोन। कभी कभी तुम मतलब की बात बोलता है। बोलो। ए, 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 क्या बोलू? जब मैं बात कर रहा था तो तुमने फोन क्यों काटा? नहीं बात करना है ना तो स्टॉप कर देते हैं टोटल बैलेंस शीट। अरे गौतम, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ, तुम मुझे और परेशान क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्या चाहिए बोलो। तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे पापा हमारे प्यार को नहीं मानेंगे, अब हमारे पास इस शहर को छोड़ के कहीं और जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। हा? तुम्हारे लिए हमारे प्यार से यानी मुझसे ज्यादा बड़ा तुम्हारा बाप है। हा? हा? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम उसकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारा जो बाप है ना, वो सिर्फ पैसा देखता है, पैसे की मशीन है वो, है ना? तुम्हारी शादी इंसान से नहीं, पैसे से कराएगा, पैसे से। मेरी बात सुनो। हाँ। अभी मैं तुम्हारी बात सुनने की हालत में नहीं हूँ। देखो तुम मुझे और डिस्टर्ब मत करो प्लीज। सुनाई दे रहा है ना? सुन रही हो ना? हेलो 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 हेलो, इसने तो फिर से काट दिया। अरे तू हेलो हेलो क्यों बोल रहा है? कट कर दिया क्या? कट कर दिया। अरे मैंने बताया ना, सारी लड़कियां ऐसी होती है।